राजस्थान का क्रेश ट्रांजेक्शन एटीएम पे ने लगाया है, बाकी एटीएम पूरे राजस्थान में लगे हुए हैं। देखिए नौखा में पहला एटीएम है लोगों की सेवा के लिए, ताकि लोगों को परिपूर्ण हर चीज़ पूरी क्लियर मिले, उनको पूरा अपना तोल पूरा मिले, अपना कैश खुद डालें, खुद दूध ले जाएँ। ये नौखा में पहला एटीएम ही है। क्या इसमें पॉलीथीन से दूध लेना संभव होगा? नहीं, पॉलीथीन से संभव ये नहीं होगा। ये सिर्फ अपन जो घर से बर्तन लेकर आए उसमें अलग होगा, थैली से बंद करने के लिए प्रोसेस प्रयास हमारा जारी है, इसीलिए पॉलीथीन बंद करने के लिए हम इस पर प्रयास करते हैं, ताकि ये कंटिन्यू ज़्यादा हो, लोग इससे ज़्यादा अपना रुझान दें और इस पर प्रति अपना ज़्यादा इंटरेस्ट लें, ताकि ये बर्तन ज़्यादा साल हो जाए। क्या इसमें कैश ट्रांजेक्शन रहेगा? हाँ बिल्कुल रहेगा, कैश ट्रांजेक्शन का आप 10, 20, 50, 100 जितने का दूध लेना चाहते हैं ये दूध देगा, अपना आप देगा, किसी आदमी की जरूरत नहीं होगी। अगर कोई व्यक्ति जैसे 70 रुपये का दूध लेना चाहे और उसके पास खुल लेनी है, वो 100 का नोट रहेगा, उसमें क्या तो रहेगा? मशीन के आगे बंदा खड़ा है जो उसके कार्ड अपने कार्ड से वितरण देगा और माइनस पर सुखद करेगा। हाँ, ये कंटिन्यू 24 घंटे चालू करेंगे, अभी 1 महीना इसको प्रोसेसिंग में डाला है दुकान में रिटेल काउंटर के लिए, फिर इसकी 24 घंटे से कंटिन्यू चालू कर देंगे जनता के लिए, ताकि लोगों को किसी प्रकार की परेशानी ना हो, दिन और रात दोनों को। इस मशीन में कैश के अलावा क्या क्या सुविधा रहेगी? कैश के अलावा इसके अंदर आपको एटीएम कार्ड दिया जाएगा दूध का, जो आप अपने खाते में बैलेंस डलवा के और कार्ड अपने वितरण कर जाए, जिस भी दूध लेना है कार्ड से अपना वितरण करेगा, कार्ड इस मशीन पर जैसे टच करेगा दूध आ जाएगा, 1 लीटर 2 लीटर जैसे आपको चाहिए अपना खाते में अपना बैलेंस कट जाएगा। दूसरा इसमें यह भी है कि आप अपना बार कोड इस्तेमाल कर सकते हैं, बार कोड से भी अपना दूध दे सकते हैं, जिसको 50 का लेना 100 का लेना बार कोड से भी दूध दे दें। इसमें जैसे कई लोग गाय का दूध लेना पसंद करते हैं, कई लोग भैंस का दूध लेना पसंद करते हैं, इसमें क्या रहेगा? अभी इसमें प्रोसेसिंग सिर्फ भैंस के दूध की है, इसके कंटिन्यू ये प्रोसेसिंग अगर सफल हुआ तो हम गाय का आइटम ही ऑर्डर लेंगे। हालांकि इसमें दोनों सिस्टम होते हैं, लेकिन मैंने एक बार भैंस का ही चालू किया है इसमें, ताकि कंटिन्यू आगे प्रोसेसिंग सफल हुआ तो हम गाय का भी लाएंगे। ये एटीएम दूध की जो मशीन है वो कहाँ से आपने क्रैक की है? ये पूरे भारत में बनती है, लेकिन इसकी मेन राजस्थान में, ये दिल्ली से बन के आई है, अभी बनती पूरे भारत में ही है ये सबसे मोस्टली, जैसे गुजरात है, राजकोट है और केरल में है, बेंगलोर में है, सबसे बनती है। इसकी लगभग रेट क्या होगी? लगभग ये 2 लाख से स्टार्टिंग रेंज है इसकी, ऊपर में अपने चाहो जितनी बड़ी मशीन बना सकते हैं अपन।